dear students, today we shall discuss about the chemistry. So your chapter name is structure of molecule and your unit number is 4. So open your books and open your page number 62. So students, इस chapter में हम discuss करेंगे about the octet rule, duplex rule, chemical bond and its types, ionic bond and the covalent bond. सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं अबाउट द ऑक्टेट रूल, तो हम ये देखते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम तब अपने आप को स्टेबल हालत में रख सकता है या तब एग्जिस्ट कर सकता है इस नेचर में जब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हों. अगर उन 8 में से या तो ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो वो एटम अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता नेचर में. जैसे कि इसकी एग्जांपल, जितनी भी नॉबल गैसेस हैं वो अपने आप को स्टेबल रखती हैं क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये कि उनका जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट है. फिर हम बात करते हैं अबाउट द ड्यूप्लेक रूल. तो ड्यूप्लेक रूल का मतलब होता है दो का रूल. इसका मतलब यह है कि एटम की वो टेंडेंसी के वो दो इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर रखे ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके इस नेचर में. जैसे कि हीलियम जो है, उसके आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को इस नेचर में स्टेबल रख पाता है. फिर हम बात करते हैं अबाउट द केमिकल बॉन्ड. तो हम ये देखते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि डिफरेंट या फिर सेम एटम्स को एक सब्सटेंस के अंदर जोड़ के रखती है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ये केमिकल बॉन्ड कहलाती है. जैसे कि अगर हम इसकी फर्दर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि NaCl हमारे पास एक सब्सटेंस है और इसमें सोडियम और क्लोरीन जो है ये 2 अलग अलग एटम्स हैं. इन एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड है जिसे हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड का, क्योंकि इसने दोनों एटम्स को एक सब्सटेंस के अंदर जोड़ के रखा हुआ है. फिर हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की टाइप्स का. तो हम ये देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो है इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं. एक है आयनिक बॉन्ड और दूसरी होती है कोवलेंट बॉन्ड. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड ऑपोजिटली चार्ज आयन. इसका मतलब ये कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो 2 डिफरेंट काइंड के एटम्स मौजूद होते हैं, जब उन पे 2 डिफरेंट चार्ज होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव कैरी करे और दूसरा नेगेटिव, तो इनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है NaCl की, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सोडियम जो है उसने प्लस का चार्ज कैरी किया हुआ है, जबकि जो क्लोरीन है उसने नेगेटिव चार्ज कैरी किया हुआ है. तो इनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा. इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सोडियम है उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है. पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ऑक्टेट रूल को किसी भी एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल या फिर ड्यूप्लेक रूल को फॉलो करना होता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सोडियम है वहाँ उसके पास सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो उस टाइम ये सोडियम एटम से सोडियम आयन की फॉर्मेशन में चला जाएगा. और इसी तरह आप लोग क्लोरीन देख रहे हैं, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो यहाँ पर जो एक सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, वही एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन उसको गेन कर लेगा. तो इसका आउटर जो सोडियम एटम है उसका एक पूरा का पूरा आउटर मोस्ट शेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसका जो फर्दर आउटर मोस्ट शेल बनेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे. इट मींस दैट कि उसने ऑक्टेट रूल को फॉलो करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा एक सब्सटेंस के अंदर. और इसी तरह से जो क्लोरीन है, जब वो एक सोडियम का रिमूव किया हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो उस टाइम वो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और एक सब्सटेंस के अंदर अपने आप को स्टेबल कर लेगा. सो इस तरह से जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा. और अब हम बात करते हैं
कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, तो हम ये देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है H2 हाइड्रोजन गैस। इसमें हम ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो गैस है इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब हाइड्रोजन के दो एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो उस टाइम वो ड्यूप्लेक्स रूल को फॉलो करते हैं। मतलब ये कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास दो दो एटम्स मौजूद हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ड्यूप्लेक्स रूल को फॉलो करते हैं और ड्यूप्लेक्स रूल को फॉलो करने की वजह से ये अपने आप को नेचर में एग्जिस्ट करवा पाते हैं। तो इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स का, तो हम ये देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर तीन टाइप्स मौजूद होती हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जो दो हमारे पास एटम मौजूद हैं उनके दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड बने। डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास दो एटम्स मौजूद हैं उनके दरमियान दो बॉन्ड्स मौजूद हों। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जो दो एटम्स आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है जिन्होंने, वो तीन बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। अगर हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन की। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लोरीन का जो एटम है उसके जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और दूसरे में भी 7 ही मौजूद हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि मतलब ये अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये दोनों फ्लोरीन के जो एटम्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से दोनों के पास ही 8-8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो जाएंगे। और फिर हम इस तरह से कहेंगे कि इनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है वो सिर्फ सिंगल है, क्योंकि इनके हमारे पास जो दोनों यहाँ पर मौजूद एटम्स हैं उनके एक एक इलेक्ट्रॉन ने आपस में शेयरिंग की है, जिसकी वजह से यहाँ पे बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सिर्फ सिंगल है। तो इसलिए फ्लोरीन जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जोड़ के रखता है। जब हम बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में जो सिंगल ऑक्सीजन का एटम है उसके पास 6-6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं। तो दोनों के पास जो 6-6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको अपने आप उनको आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जब ये दो दो इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करेंगे तो इसकी वजह से ये होगा कि इनके दरमियान बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो दो होंगे। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो दो होता है, जिसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो अपने आप को ऑक्टेट रूल को फॉलो करके स्टेबल रख पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है उसके लिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास प्रेजेंट है एज अ एग्जांपल। तो हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो सिंगल एटम हमारे पास मौजूद है उसमें 5-5 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इसलिए सिंगल एटम अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए ये अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग करेंगे, जिसकी वजह से हर जो सिंगल एटम है उसके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम ये कह सकेंगे कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं और ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। स्टे होम एट होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।